हेलो दोस्तों, तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं म्यूचुअल फंड के बेसिक्स के बारे में। तो अगर आप बिगिनर हैं और आपको म्यूचुअल फंड के बारे में नहीं पता है कि म्यूचुअल फंड क्या होता है और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कैसे करते हैं, और आप ये भी देखते होंगे कि म्यूचुअल फंड में बहुत सारे टर्म्स होते हैं, जैसे कि NAV क्या होता है, AMC क्या होता है, AUM क्या होता है, एक्सपेंस रेशियो कैसे लगता है, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो कि आपको नहीं पता होगी। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं लेकिन उनको ये भी नहीं पता होता है कि NAV क्या होती है और म्यूचुअल फंड में यूनिट्स मिलती है वो यूनिट्स क्या होती है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो कि आप म्यूचुअल फंड में अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं तब भी नहीं पता, और अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने आने वाले हैं तो आपको ये सब जो डिटेल्स होती है, ये सब बेसिक चीजें होती है, ये आपको नहीं पता होती है। तो मैं एक सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं जिसमें मैं स्टेप बाय स्टेप 1, 2, 3, 10, 15, 20 जितने भी वीडियोस होंगे मैं ट्राई करूंगा कि जितनी भी चीजें होती हैं म्यूचुअल फंड में स्टार्टिंग से लेके जो इसके एडवांस लेवल तक मैं सारी चीजें कवर करने की कोशिश करूंगा। तो अगर आपको भी ऐसी चीजें चाहिए कि आप म्यूचुअल फंड सीखना चाहते हैं कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कैसे करेंगे, म्यूचुअल फंड में कितने टाइप के फंड्स हो सकते हैं, म्यूचुअल फंड कितना रिस्की हो सकता है, किस टाइप के म्यूचुअल फंड होते हैं और आपको किस टाइप के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, ऐसे बहुत सारी चीजें अगर आप सीखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि मैं धीरे धीरे एक सीरीज वाइज सीरीज मतलब एक एक वीडियो लाता रहूंगा आपके लिए कि जो म्यूचुअल फंड के बारे में आपको सिखाएगा कि म्यूचुअल फंड क्या होता है, आप कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब देखिए जो आज का वीडियो है, तो आज का जो वीडियो है एक ये सिर्फ इंट्रोडक्शन के लिए है कि म्यूचुअल फंड क्या होता है। देखिए सबसे पहले समझते हैं कि म्यूचुअल फंड होता क्या है। अगर हम टेक्निकल लैंग्वेज या फिर बोल सकते हैं कि फाइनेंशियल लैंग्वेज में समझें तो म्यूचुअल फंड एक ऐसा इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट है जो कि प्रोफेशनली द्वारा मैनेज किया जाता है और ये खुद में ही डाइवर्सिफाई होता है। इसका मतलब ये है कि जब हम म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हैं तो जो म्यूचुअल फंड में जो पैसा लगता है वो प्रोफेशनली लगता है, यानी कि जो प्रोफेशनल होते हैं फाइनेंस के फील्ड के जो प्रोफेशनल है वो आपके पैसे को इन्वेस्ट करते हैं और ये खुद में ही डाइवर्सिफाई होता है। मतलब कि जो एक म्यूचुअल फंड होता है उसके अंदर बहुत सारे स्टॉक होते हैं, या आप बोलते हैं कि 50 स्टॉक भी होते हैं, 25 स्टॉक होते हैं, वो फंड के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस टाइप के फंड है तो उसमें कितने स्टॉक होंगे। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो क्या होता है कि वहां पर फंड मैनेजर्स होते हैं जो आपके पैसे को मैनेज करते हैं, उनको हम फंड मैनेजर बोलते हैं। अब जो वो पैसे को मैनेज करते हैं तो वो आपसे कुछ फीस चार्ज करते हैं जिनको हम एक्सपेंस रेशियो बोलते हैं। मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं म्यूचुअल फंड रिव्यू के, तो वहां पर मैं हमेशा आपको बताता हूं कि एक्सपेंस रेशियो ऐसा होता है, एक्सपेंस रेशियो इतना है इस फंड का। अब देखिए जो एक्सपेंस रेशियो होता है वो भी फंड्स का अलग अलग फंड्स का अलग अलग होता है, तो जो फंड मैनेजर चार्ज करते हैं वो भी एक एक्सपेंस रेशियो का ही पार्ट होता है। तो क्या होता है कि आपने पैसा इन्वेस्ट कर दिया और जो पैसा इन्वेस्ट होता है तो क्या होगा कि वो बहुत सारे स्टॉक्स में इन्वेस्ट होता है, तो ऐसे में क्या होता है कि आपको जो रिस्क होता है वो भी डाइवर्सिफाई हो जाता है। तो इसीलिए म्यूचुअल फंड एक कह सकते हैं कि सेफ बेट मानी जाती है अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते या फिर आपको स्टॉक मार्केट के बारे में नहीं पता है। तो चलिए एग्जांपल से समझते हैं कि जो म्यूचुअल फंड होता है ये होता है क्या है। देखिए मान लीजिए कि आप ऐसा कोई स्टॉक खरीदना चाहते हैं, जैसे कि हम मान लीजिए सपोज करते हैं MRF का स्टॉक हो गया, या फिर बोल सकते हैं पेज इंडस्ट्रीज का स्टॉक है, वो करीब 25,000 के आसपास चलता है, मतलब चल रहा है। तो अगर आप 5,000 रुपए इन्वेस्ट करना चाहते हैं और जो पेज इंडस्ट्रीज का शेयर है वो 25,000 का चल रहा है, तो अगर स्टॉक खरीदने जाएंगे तो फिर आपको स्टॉक नहीं मिलेगा, क्योंकि वहां पर क्या होता है कि आपको मिनिमम एक स्टॉक खरीदना होता है स्टॉक मार्केट में। लेकिन म्यूचुअल फंड ऐसी जगह है, म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि मान लीजिए आपके पास 5,000 रुपए है, किसी दूसरे के पास 5,000 रुपए है, किसी और के पास 5,000 रुपए है, ऐसे से करके पांच लोग मिलके 5,000 कलेक्ट करेंगे तो उनके पास 25,000 हो जाएगा। तो अब क्या होगा कि अगर आप 5,000 रुपए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करेंगे तो जो फंड मैनेजर है वो फंड मैनेजर के पास 25,000 रुपए आ जाएगा, तो वो क्या करेगा सिंपली एक पेज इंडस्ट्रीज का शेयर खरीद लेगा। अब क्या करेगा कि वो 5,000 रुपए आपने इन्वेस्ट किया तो आपका जो 5,000 रुपए आपने इन्वेस्ट किया तो वो आपके मतलब एक प्रूफ होना चाहिए ना कि आपने उस फंड में पैसा लगाया है। तो क्या होता है कि जो म्यूचुअल फंड कंपनी होती है जिसको हम AMC बोलते हैं, एसेट मैनेजमेंट कंपनी, तो वो क्या करती है आपको एक यूनिट दे देती है कि ये यूनिट रखिए। तो आप जैसे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो वहां पर आपको स्टॉक मिलता है, तो जैसे अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो यहां पर आपको यूनिट्स मिलती है, यहां पर आपको स्टॉक नहीं मिलता। तो अगर आप इन्वेस्ट कर देंगे जो पेज इंडस्ट्रीज के स्टॉक्स में म्यूचुअल फंड के थ्रू, तो वहां पर क्या होगा कि आपको यूनिट अलॉट हो जाएगी।
तो आप वो यूनिट रख सकते हैं। तो जब आपको पैसे की जरूरत हो या फिर आपको जब सुटेबल लगे आप अपने यूनिट को रिडीम कर लीजिए, तो आपको अपने पैसे वापस मिल जाएंगे। अब देखिए, ये समझते हैं कि अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने आते हैं तो आपके एडवांटेजेस क्या हैं, कि आपको क्या एडवांटेज मिलेगा कि आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करिए। देखिए क्या होता है कि ये एक सिंपल कॉन्सेप्ट होता है। सिंपल कॉन्सेप्ट का मतलब ये है कि आपके पास 5,000 रुपए है, 1,000 रुपए है, 500 रुपए है, आप सिंपली म्यूचुअल फंड के जो अकाउंट ओपन करवाएंगे, जो डीमैट अकाउंट के थ्रू भी होता है अकाउंट ओपन, और बहुत सारे तरीके हो गए आज के समय में, तो आप आराम से किसी भी कंपनी के थ्रू म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। बहुत सारे ऐप भी आ गए हैं, जैसे ग्रो ऐप हो गया, एंजल ब्रोकिंग का ऐप हो गया, स्टॉक नोट का ऐप हो गया, तो सब बहुत सारे ऐप हैं जहां से आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो मैंने भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे के रखा है, अगर आपको भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना है तो आप सिंपली वहां जाकर अपने डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं, तो वहां से आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर पाएंगे। चलिए, ये हुआ कि क्या सिंपली कितना है। तो आप अगर अकाउंट ओपन करवा लेंगे तो उसके बाद क्या है कि आपको सिंपली आप 500 रुपए या फिर आप 100 रुपए से भी अपने म्यूचुअल फंड को इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। और देखिए यहाँ पर क्या है, अगर हम दूसरे पॉइंट की बात करें तो वो है कि वैरायटी या प्रोडक्ट्स। यहाँ आपको बहुत सारे प्रोडक्ट्स मिलेंगे। प्रोडक्ट्स का मतलब कि बहुत तरीके से आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप चाहे इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करिए, आप चाहे किसी पर्टिकुलर सेक्टर में इन्वेस्ट करिए, आप चाहे गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप चाहे रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप चाहे बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको सारी सुविधाएं मिलेगी, आप किसी भी स्कीम में या फिर किसी भी इंस्ट्रूमेंट में आप इन्वेस्टमेंट सिंपली कर सकते हैं म्यूचुअल फंड के थ्रू। और अगर तीसरे एडवांटेज की बात करें तो तीसरा एडवांटेज ये है कि आपके पोर्टफोलियो को ये डाइवर्सिफाई कर देता है। अगर आप पूछेंगे कि सबसे बड़ा एडवांटेज क्या होता है किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का, तो मैं बोलूंगा कि जो आपका डाइवर्सिफिकेशन होता है वो म्यूचुअल फंड से अच्छा कहीं नहीं मिलता। क्या होता है कि आप किसी भी फंड में इन्वेस्ट करेंगे तो वहां पर आपको पूरी तरह से डाइवर्सिफिकेशन मिलेगा। आप इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करेंगे तो पूरे इंडेक्स में आपका इन्वेस्टमेंट करेगा, वहां पर भी डाइवर्सिफिकेशन है। आप किसी सेक्टर में जाते हैं तो वहां पर भी जितने टॉप के स्टॉक्स होंगे वहां पर इन्वेस्टमेंट होगा, तो सेक्टर में भी आपको वहां पर डाइवर्सिफिकेशन मिल जाता है। ऐसे क्या है कि जो म्यूचुअल फंड होता है, म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट करेंगे तो पूरी तरह से आपको डाइवर्सिफिकेशन मिलेगा। अभी हम आगे की वीडियोस में समझेंगे कि डाइवर्सिफिकेशन कैसे काम करता है। और जो चौथा एडवांटेज है कि क्या है कि अगर आप मान लीजिए बिगिनर हैं, आपको बिल्कुल नहीं पता मार्केट के बारे में, आपको ये भी नहीं पता कि स्टॉक को बाय कैसे करते हैं, कौन सा स्टॉक अच्छा है, कौन सा स्टॉक खराब है, कौन सा स्टॉक को हम चूज करें, या फिर स्टॉक को अगर हम बाय करने जा रहे हैं तो उसके पीछे जो एनालिसिस करना होता है वो कैसे करें, अगर इन सब चीजों से आपको बचना है, ये सब चीजें आपको नहीं भी आती है, क्योंकि अगर आप सीखना भी चाहेंगे तो वो टाइम टेकिंग होता है। ऐसा नहीं है कि आपने एक दिन ही कुछ पढ़ के आपने मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया, ऐसा नहीं होता। अब देखिए म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि जो म्यूचुअल फंड होता है वहां पर प्रोफेशनल्स बैठते हैं, जो आपके फंड को मैनेज करते हैं वो बहुत ज्यादा क्वालिफाइड होते हैं, वो उनका एक्सपीरियंस भी बहुत सारा होता है कि कौन सा स्टॉक चूज करना है, कैसे पोर्टफोलियो बनाना है, तो ये सब काम उनका फंड मैनेजर का होता है। तो क्या होता है कि आप थोड़ी सी उनको फीस दे देते हैं, उसके बाद उनके थ्रू आपका जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट होता है वो सिंपली आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो आइए एक पॉइंट को और डिस्कस कर लेते हैं कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के कितने तरीके हैं। देखिए वैसे तो सिंपली दो तरीके हैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के, पहला है लमसम और दूसरा है आपका SIP। अब देखिए लमसम को समझते हैं। लमसम क्या होता है कि मान लीजिए आपके पास 1,00,000 रुपए है या 50,000 या 10,00,000 जितना भी है, आप एक साथ एक मतलब वन टाइम में आप अपने पैसे को म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर देंगे तो उसको हम बोलते हैं लमसम में। अब आता है SIP। SIP का मतलब होता है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, मतलब आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो सिस्टम से होगा। अब इसके लिए क्या होता है कि आप चाहे तो 500 रुपए पर मंथ भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप चाहे तो 5,000 रुपए भी पर मंथ इन्वेस्ट कर सकते हैं, और अभी तो ऐसे भी म्यूचुअल फंड आ गए हैं कि आप 100 रुपए से भी अपने म्यूचुअल फंड को स्टार्ट कर सकते हैं, मतलब कि 100 रुपए आप पर मंथ किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते जाइए। तो जो ये सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान है ये आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में है। अब देखिए SIP जो ये सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान है ये सैलरीड पर्सन के लिए ज्यादा बेनिफिट होता है। अब क्या होता है कि पहले के समय में क्या होता था कि मान लीजिए किसी की सैलरी 50,000 रुपए है किसी भी पर्सन की, तो क्या है कि उनका मान लीजिए वो 15,000 या 20,000 रुपए पर मंथ बचा लेते थे, तो क्या वो कि FD में अपने पैसा रखते थे, बैंकों में रखते थे। लेकिन आज के समय में आप देखते होंगे कि सेविंग अकाउंट का जो इंटरेस्ट है या फिर FD का इंटरेस्ट है बहुत ज्यादा गिर गया है, मतलब अगर सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट देखेंगे तो 3-4% के बीच में रह गया। तो क्या होता है कि वो क्या करें, जैसे वो बैंक में अपने पैसे को रखते थे, वो आज के समय में सिंपली क्या करते हैं कि अपने पैसे को SIP कर देते हैं, मतलब SIP के थ्रू इन्वेस्ट कर देते हैं।
तो उनको ये भी नहीं देखना होता है कि उनको पैसा इन्वेस्ट कब करना है, क्या करना है। सिंपली एक SIP का प्रोसेस होता है थोड़ा सा, वो SIP प्रोसेस करने के बाद उनका पैसा ऑटोमेटिकली उनका वही म्यूचुअल फंड में, जिस भी म्यूचुअल फंड में वो इन्वेस्ट करना चाहे वहां पर आसानी से उनका 10,000, 15,000, 20,000 वो जो भी बचा लेते हैं उनका इन्वेस्ट होता जाता है। तो इसमें क्या, यहाँ पर इनको 12 से 15 से 18-20% तक का भी रिटर्न मिलता है। अब ये डिपेंड करता है कि जो रिटर्न मिलता है ये अलग अलग म्यूचुअल फंड में अलग अलग होता है। अब यहाँ पर आपको रिटर्न मिलता है तो अलग अलग यहाँ पर आपका रिस्क भी होता है। अब देखिए वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, अब हम नेक्स्ट वीडियो में हम ये देखेंगे इसके आगे का क्या प्रोसेस होता है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट का। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अगर आपको ऐसे ही म्यूचुअल फंड रिलेटेड रिव्यूज के वीडियोज या फिर आप म्यूचुअल फंड क्या होता है, म्यूचुअल फंड की सीरीज जो भी मैं बना रहा हूँ इसको देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो।